हेलो गाइस, नव्या लर्निंग पर मैं अखिलेश बुड़ाकोटी आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले सेशन में भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हम रोजाना आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे, यानी उस पर्टिकुलर दिन के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं और इसे प्रेजेंट करूंगा मैं, यानी अखिलेश बुड़ाकोटी, और मेरे साथ इस कंटेंट को डेवलप किया है गौरव सेमवाल ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्चेस स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल। ठीक है, तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने लॉन्च किया है एक पोर्टल स्टैंडर्ड इन इंडिया, और ये पोर्टल उन पर्टिकुलर आप कह सकते हैं फॉरेन टूरिस्ट के लिए है जो स्टक है एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो भी हमारे टूरिस्ट जो फंसे हुए हैं अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रांतों में, पूरे देश भर में, उन लोगों को हेल्प करने के लिए, उन लोगों को एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक पहुंचाने के लिए या फिर उन लोगों की हेल्प के लिए एक पोर्टल खोला गया है, और इस पोर्टल के थ्रू वो अपनी एप्रोप्रिएट एम्बेसी तक, अपनी एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज तक जो है अपने जो प्रॉब्लम है उसको भेज सकते हैं, अपनी जो ग्रीवेंसेज है उनको वो भेज सकते हैं, और उसके बाद उन पर एप्रोप्रिएट काम किया जाएगा। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो कौन है हमारे, प्रहलाद सिंह पटेल। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के। ठीक है, ये मिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल लॉन्च DARPGs नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। ठीक है, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने DARPGs यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का जो है उन्होंने शुभारंभ आज किया है, और ये इसलिए किया गया है ताकि COVID-19 से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका रिड्रेसल हो सके, COVID-19 से रिलेटेड जितने भी ग्रीवेंसेज हैं उनके रिड्रेसल के लिए डिपार्टमेंट्स को 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, और उनसे 3 दिन के अंदर अंदर जवाब मांगा जाएगा। लोग अगर क्वेरी करते हैं कोई भी चीज के बारे में, जानकारी चाहते हैं, तो 3 दिन के अंदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से जो है कहा जाएगा कि वो उनका जवाब दें, एंड दैट विल बी ऑन दिस डैशबोर्ड। ओके, और ये नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड जो है वो डेवलप्ड और इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑन darpg.gov.in। दिस इज मिस्टर जितेंद्र सिंह। ओके, ही इज आवर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ओके, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। IIT कानपुर टू डेवलप पोर्टेबल वेंटिलेटर टू सपोर्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कल भी मैंने आपको एक IIT के बारे में बताया था, IIT बॉम्बे, जिन्होंने एक ऐप को मतलब डेवलप किया है जिसका नाम है क्वारंटीन। ठीक है, क्वारंटीन ऐप है। वैसे ही जो IIT कानपुर ने भी डेवलप किया है पोर्टेबल वेंटिलेटर टू सपोर्ट द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और वो करंटली अभी काम कर रहे हैं वैसे इस पर। ठीक है, अभी इसका एक प्रोटोटाइप जो है वो लॉन्च होने वाला है, और एक बार अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो वो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और मेडिकल जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके बहुत काम आएगा। ठीक है, द मूव बाय IIT कानपुर विल स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम ऑफ द कंट्री अमिड द कोरोना वायरस क्राइसिस। ठीक है, सो फार द एक्सपर्ट टीम हैज डिजाइन्ड द पोर्टेबल वेंटिलेटर एंड इट विल सून बी असेंबल। ठीक है, अभी असेंबल होगा ये और काम आएगा हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कल दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, उत्कल दिवस यानी ओडिशा डे जिसको हम बोलते हैं, वो हर साल 1 अप्रैल को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, और ये जो है दिस डे मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इन द ईयर 1936। जो ओडिशा जो स्टेट है हमारा, उसका फॉर्मेशन डे के तौर पर जो है इस दिन को मार्क किया जाता है, और इस दिन जितने भी जो ओडिसी लोग हैं उन्होंने उनके जो कंट्रीब्यूशन हैं, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं इस पर्टिकुलर स्टेट को फॉर्म करने में, उसको रिमेंबर किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलता हूं कि चीफ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नवीन पटनायक। ही इज मिस्टर नवीन पटनायक एंड ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड ही इज आल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर फॉर एनी स्टेट इन इंडिया। ओके, गवर्नर गणेशी लाल ये हैं, गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है, कैपिटल भुवनेश्वर है ओडिशा की, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उड़िया है एंड डांस ओडिसी। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उड़िया है और डांस जो है वो ओडिसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेस कोरोना वॉच ऐप। ठीक है दोस्तों, मैं लगातार हर दिन आपको डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट जो है एप्स लॉन्च कर रही हैं, जैसे कोरोना मुक्त हिमाचल का हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे थे, आज कर्नाटका गवर्नमेंट ने, साथ ही साथ मैंने कल आपको बताया था झारखंड ने भी प्रज्ञाम ऐप जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेस कोरोना वॉच ऐप। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड कोरोना वॉच। ठीक है, कोरोना वॉच नाम से एक एप्लीकेशन उन्होंने लॉन्च की है, और ये अलाउ करेगी द यूजर टू ट्रैक द स्पॉट्स विजिटेड बाय पेशेंट्स अप टू 14 डेज प्रायर टू टेस्टिंग पॉजिटिव। यानी कि जब कोई पेशेंट अगर पॉजिटिव टेस्ट हुआ है तो उसके 14 दिन तक जहां भी वो इंसान गया था उसके 14 दिन तक
कोई भी यूजर ट्रैक कर सकता है कि वो इंसान कहां कहां होकर के आया है. ऑल्सो इट शोज द नियरेस्ट फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट हॉस्पिटल्स एंड हेल्पलाइन नंबर्स. साथ ही ये जो नजदीकी जो हॉस्पिटल है और जो नजदीकी हेल्पलाइन नंबर जहां पे भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है वो भी ये बताएगा. ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका कौन है? मिस्टर बी एस येदियुरप्पा. ठीक है, मिस्टर बी एस येदियुरप्पा जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड गवर्नमेंट गवर्नर जो है वो है बाजूभाई वाला. ठीक है, बाजूभाई वाला जो है वो गवर्नर है. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. मोदी किचन सेटअप इन तमिलनाडु. ठीक है, अब मोदी किचन हैज बीन सेटअप इन कोवई कोयम्बटूर तमिलनाडु. ठीक है, कोवई यानी कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में सेटअप किया गया है मोदी किचन. और ये किचन जो है इसकी कैपेसिटी है टू सर्व 500 मील्स पर डे और ये खुला रहेगा एंड ऑपरेशनल रहेगा टिल 14th of April 2020. ठीक है, तो ये आई थिंक पर्टिकुलरली जो है कोरोना वायरस के जो प्रकोप के समय जो है ताकि खाने की कमी कहीं पर भी ना हो, उसलिए 500 मील्स पर डे की कैपेसिटी जो है इस किचन की कर दी गई है और ये जो है 14th of अप्रैल तक ऑपरेशनल रहेगा. तो चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु मिस्टर टीई के पलानीस्वामी थिरु इडप्पई के पलानीस्वामी. ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु है एंड द गवर्नर इज मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित. ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई. ओके, भारत पे एंड आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड टाई अप टू लॉन्च कोविड 19 इंश्योरेंस. ठीक है, भारत पे जो है वो भी एक आप कह सकते हैं पेमेंट्स जो है वो ऐप है और उन्होंने इंक किया है पार्टनरशिप विद आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू इंट्रोड्यूस कोविड 19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर. ठीक है, और ये इंश्योरेंस कवर जो है वो मोस्टली इज फॉर शॉपकीपर्स जो कि वर्स्ट अफेक्टेड हैं, जो फाइनेंशियली जो है अभी क्रिपल हो चुके हैं ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक. और आप जानते हैं जैसे कि बिल्कुल धंधा जो है ठप चल रखा है और जो मार्केट्स हैं वो बहुत डाउन गिरी हुई हैं. देयर इज नो जो है अभी कोई खरीदारी नहीं हो रही है तो इनका मार्केट जो है वो छोटे शॉपकीपर्स हैं उनका मार्केट जो है वो डाउन चल रहा है. उनकी इकोनॉमी जो है वो उनकी जो इनकम है इनकम सोर्स जो है सोर्स ऑफ इनकम जो है वो थोड़ा इस समय रुकी हुई है तो उनको इंश्योरेंस कवर जो है प्रोवाइड करेगा. और सीईओ और को फाउंडर साथ ही साथ मैं आपको बताता चलता हूँ. भारत पे के सीईओ और को फाउंडर जो है वो है अश्नीर ग्रोवर. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ भारत पे है अश्नीर ग्रोवर. ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है भारत पे का? न्यू दिल्ली में है भारत पे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. एमडी ऑफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज भार्गव दास गुप्ता. अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें जो कि इंश्योरेंस कंपनी है उसके एमडी है भार्गव दास गुप्ता और हेडक्वार्टर्स कहां है इसका? मुंबई महाराष्ट्र. एक का दिल्ली में है एक का मुंबई में. ओके, इजी टू रिमेंबर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट करंट अफेयर. प्रवीण यादव रिजाइन्स एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम मनी. ठीक है, याद रखिएगा पेटीएम नहीं है पेटीएम मनी है. ठीक है, इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ पेटीएम. ठीक है, प्रवीण यादव द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पेटीएम मनी रिजाइन फ्रॉम द कंपनी. ही विल बी रिलीव्ड बाय द एंड ऑफ अप्रैल. ठीक है, तो प्रवीण यादव जो है जो एमडी और सीईओ थे पेटीएम मनी के उन्होंने रिजाइन कर दिया है और अब अप्रैल के एंड तक जो है वो रिलीव कर दिए जाएंगे. ठीक है, पेटीएम मनी वॉज फाउंडेड इन 2019 बाई मिस्टर प्रवीण यादव. ठीक है, प्रवीण यादव ने पेटीएम मनी को फाउंड किया था याद रखिएगा और पेटीएम को फाउंड किया गया था अगस्त 2010 में. विजय शंकर शर्मा ने इसे फाउंड किया था. ठीक है, अभी पेटीएम को का हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट करंट अफेयर. लॉन्च सनराइज मिशन. नासा जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट के मिशन को स्टडी करने के लिए एक मिशन प्रपोज किया है और ये मिशन जो है स्टडी करेगा कि हाउ सन क्रिएट्स एंड रिलीजेस जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स. ठीक है, तो आपको पता है कि सोलर फ्लेयर्स जो निकलती हैं सन से, सोलर स्टॉर्म्स जो निकलते हैं सन के, उनके पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए ये एक सनराइज मिशन जो है वो लॉन्च करेगी नासा. और दिस मिशन विल फर्दर एड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ सोलर सिस्टम वर्क्स. ठीक है, तो ये हेल्प करेगा हमारे साइंटिस्ट को ये समझने के लिए कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे काम करता है. ठीक है, इट विल ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम सोलर स्टॉर्म्स वाइल गोइंग टू द मून और मार्स. ठीक है, अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट फर्दर इन फ्यूचर जो है स्पेस में मून या मार्स की तरफ आगे जाए और उसको सोलर स्टॉर्म जो इफेक्ट ना करें इसके लिए भी स्टडी करेगा हाउ टू प्रोटेक्ट देम. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे कुछ फेमस पर्सनालिटीज की जो डिसीज हो गए हैं इस बीच में, जो पास अवे हो गए हैं. ठीक है, तो स्पेन प्रिंसेस मारिया टेरेसा बिकम्स फर्स्ट रॉयल टू डाई फ्रॉम कोविड 19 डिजीज. ठीक है, तो जो स्पेन की प्रिंसेस है मारिया टेरेसा वो पहली रॉयल जो मेंबर है वो बनी है हु डाइड फ्रॉम कोविड 19 डिजीज. शी वॉज बॉर्न ऑन 28th of July 1933 एंड स्टडीड इन फ्रांस एंड बिकेम अ प्रोफेसर एट पेरिस सबर्न एज वेल एज प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी एट मैड्रिड्स कंप्लूटेंस यूनिवर्सिटी. ठीक है, शी वॉज नोन फॉर हर आउटस्पोकन व्यूज एंड एक्टिविस्ट वर्क. ठीक है, विच लेड टू हर निकनेम एज द रेड प्रिंसेस. इन्हें रेड प्रिंसेस भी बोला जाता था क्योंकि ये इनके जो व्यूज थे बहुत आउटस्पोकन थे, बहुत बहिर्मुखी थी ये
और एक्टिविस्ट इनका जो वर्क था पूरे जो अपनी जिंदगी भर बिल्कुल एक सोशली एक्टिव रही है, ठीक है। तो रेड प्रिंसेस के नाम से भी ये जाना जाती है, ठीक है। लेजेंडरी हिस्टोरियन अर्जुन देव पासेस अवे, ठीक है। तो हिस्टोरियन अर्जुन देव जो हिस्टोरियन रह चुके थे एट एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ही जस्ट पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज बोर्न ऑन नवंबर 12, 1938 इन लियाहा वेस्ट पंजाब नाउ विच इज इन पाकिस्तान, ठीक है। ही इज मिस्टर अर्जुन देव, ओके। चलिए नेक्स्ट, Tony Lewis, renowned for devising the Duckworth-Lewis method, dies aged 78 due to COVID-19. ठीक है, तो COVID-19 पे सवाल बन सकते हैं of some famous personalities who died due to this disease. इसमें कि नाम जुड़ेगा Tony Lewis का, जो कि आप जानते हैं Duckworth-Lewis method जो use किया जाता है क्रिकेट में, जब भी बारिश होती है Duckworth-Lewis method use किया जाता है, तो उसको devise करने में Duckworth-Lewis में Lewis जो थे वो Tony Lewis ही थे जो died, who died due to coronavirus at the age of 78. तो दोस्तों ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन से जुड़ने के लिए, और हमारे इस वीडियो को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ ही आपको बेल आइकन दबाना है ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। साथ ही जुड़े हमारे फेसबुक पेज पर और हमें फॉलो करें, और जुड़े हमारे साथ टेलीग्राम पर, और इस पूरे जो प्रेजेंटेशन है इसका जो पीडीएफ है वो भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।